Swayam Prabha, Digital India, Educated India. सभी लोगों को नमस्कार दूसरा लेक्चर जो टाइटल है इसकी उसका नाम है सिविल न्यायालय की अधिकारिता और सिविल प्रकृति के वाद ये धारा नौ में इसका वर्णन है सिविल न्यायालय की अधिकारिता और सिविल प्रकृति के वाद धारा नौ अब इस लेक्चर को स्टार्ट करने के पहले मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे दू मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद तिवारी है और मैं सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली विश्वविद्यालय में और मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा और उच्च शिक्षा दीक्षा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हुई है मेरी एल वी की पढ़ाई बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हुई पी हमने दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है और मैं आसाम न्यायिक सेवा परीक्षा को सफल करते हुए मैं जुडिशियल ऑफिसर भी था आसाम में कुछ साल के लिए उसको छोड़ करके फिर मैं प्राध्यापक की नौकरी ज्वाइन किया तो ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है आपके लिए अब ये जो दूसरा लेक्चर है जिसमें सिविल न्यायालय की अधिकारिता और सिविल प्रकृति के वाद की बात हम कर रहे हैं धारा नौ में तो ये जो सब्जेक्ट मैटर है ये सिविल प्रक्रिया संहिता तथा परिसीमा विधि का है क्योंकि हम लोग जो सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं सिविल प्रक्रिया संहिता तथा परिसीमा विधि है और मैं आपको बता दूं पहले लेक्चर में हम लोगों ने इस विषय का संक्षिप्त अवलोकन देखा था जिसमें हम लोगों ने ये देखा था सिविल प्रक्रिया संहिता क्या है ये क्या काम करती है इसमें कितनी धाराएं और कितने आदेश है किस मामले में ये लागू होती है और इसमें सेक्शंस का और आर्डर्स के रिलेशनशिप क्या है तो ये सारा हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा हुआ था और जिसका नाम था सिविल प्रक्रिया संहिता तथा परिसीमा विधि का संक्षिप्त अवलोकन तो ये हम लोगों ने कर लिया है अब दूसरे लेक्चर में हम एक एक इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट को दूसरे तीसरे चौथे और बीसवें लेक्चर तक एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को उठाते जाएंगे और आपको हम समझाते जाएंगे तो अब जो दूसरा पॉइंट है हमारा वो है सिविल न्यायालय की अधिकारिता क्या है और सिविल प्रकृति का वाद क्या है तो सबसे पहले सिविल न्यायालय की अधिकारिता की बात हम करते हैं सिविल न्यायालय की अधिकारिता क्या है तो इसके लिए मैं दूसरे स्लाइड पर स्विच करूंगा देखिए आप दूसरे स्लाइड में अधिकारिता अधिकारिता तीन तरीके की है अगर आप देखेंगे आपको स्लाइड में दिख रहा है पहली अधिकारिता है सिविल न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता दूसरा है सिविल न्यायालय की आर्थिक अधिकारिता और तीसरा है सिविल न्यायालय का विषय वस्तु से संबंधित अधिकारिता तो ये तीन तरीके की अधिकारिता तीनों को मैं थोड़ा आपको बताऊं यहां पे सिविल न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता ध्यान दीजिए इसको क्षेत्रीय अधिकारिता का मतलब कौन सा मामला किस जगह पे दाखिल किया जाएगा इसको हम बोलते हैं क्षेत्रीय अधिकारिता जैसे मान लीजिए मैं कानपुर में बैठा हुआ हूं और हमारा सिविल अधिकार कानपुर में किसी ने उल्लंघन कर अधिकार का तो हम जब मुकदमा दाखिल करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारा जो अधिकार का उल्लंघन हुआ है किस न्यायालय के क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये जिस न्यायालय के क्षेत्र के अंतर्गत आएगा हमको मुकदमा वहीं पे दाखिल करना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि हमारे सिविल अधिकार का जो वायलेशन है वो कानपुर में हुआ और मुकदमा दाखिल करने के लिए मैं बनारस चला गया ऐसा नहीं करना है क्योंकि ये बताता है कि क्षेत्रीय अधिकारिता का क्या मतलब तो वह कोर्ट जिसके अधिकारिता के अंदर हमारे सिविल अधिकारों का हनन किया गया है हम उसी कोर्ट के न्यायालय की अधिकारिता के अंदर वाद दाखिल करेंगे उसी क्षेत्र के अंदर उसी परिसीमा टेरिटरी के अंदर अब कभी कभी क्या होता है परिसीमा निर्धारित करने में कंफ्यूजन हो जाता है मान लीजिए बॉर्डर पर का मामला है जिसको हम ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि कानपुर का है कि वो बनारस का है या बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है जैसे बनारस है और गाजीपुर है दो डिस्ट्रिक्ट है और ऐसे जगह पे सिविल अधिकारों का हनन हुआ है कि हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि बनारस में हुआ है कि गाजीपुर में हुआ है तो उस दशा में हम किसी में भी जा सकते हैं लेकिन वो कोर्ट सब्जेक्ट मैटर को लेके कॉम्पिटेंट होनी चाहिए और उसका निर्णय बाध्यकारी हो जाएगा बाद में भले पता चलता है कि दूसरे का क्षेत्रीय अधिकारिता था वो अलग बात है लेकिन जनरली अगर क्षेत्रीय अधिकारिता आपको क्लियर कट पता है तो आप उसी क्षेत्र के न्यायालय में वाद दाखिल करेंगे जहां पर आपके सिविल न्यायालय का हनन सिविल अधिकारों का हनन हुआ है तो इस तरीके से सारे न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता निर्धारित की गई है तो उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट का सिविल रूल्स एंड ऑर्डर है और उसमें उत्तर प्रदेश की हाईकोर्ट बता देती है कि किसका क्षेत्रीय अधिकारिता कहां से कहां से से तक है तो है है तो तो हर डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट की क्षेत्रीय क्षेत्रीय अधिकारिता बताई गई जो परिसीमा 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 भौगोलिक उसी हिसाब निर्धारित करी जाती है तो आपको उसी परिसीमा के अंदर सूट दाखिल करने का व्यवस्था किया गया है सीपीसी के अंदर तो इसको हम बोलते हैं क्षेत्रीय अधिकारिता दूसरा जो पॉइंट हम लोग देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं आर्थिक अधिकारिता ध्यान दीजिए आर्थिक अधिकारिता क्या है अब क्वेश्चन ये है कि ठीक है आपके सिविल राइट right का वायलेशन कानपुर में हो गया और आप मुकदमा कानपुर में ही दाखिल करने जा रहे हैं लेकिन कानपुर के जब सिविल कोर्ट में आप जाएंगे तो कानपुर में एक ही सिविल कोर्ट नहीं है जब आप जिला अदालत में जाएंगे आप देखेंगे कि बीसों तीसों सिविल कोर्ट बैठी हुई है तो अब क्वेश्चन ये है कि भाई आपका मुकदमा किस सिविल कोर्ट में जाएगा तो इसको लेकर के हम आर्थिक अधिकारिता को देखते हैं जैसे मान लीजिए हमारी जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी की कीमत दस हजार रुपया है दस हजार रुपए से ज्यादा नहीं है मतलब दस या उससे कम है तो अब हमको ये देखना पड़ेगा कि कौन ऐसी अदालत है जिसका जो रिस्ड्रिक्शन दस हजार तक है मैक्सिमम हम उसी में जाएंगे क्योंकि हमारा जो प्रॉपर्टी है जिसका वैल्यू कितना है दस हजार या उससे कम तो हमको जाना पड़ेगा उसी न्यायालय में जिसकी जो रिस्ड्रिक्शन दस हजार तक है उस कोर्ट में हमको जाना पड़ेगा अब मान लीजिए हमारे प्रॉपर्टी की कीमत जो है एक करोड़ रुपया है और मैं सबसे छोटे वाले अदालत में चला गया जिसकी जिसकी जिसका आर्थिक जिसकी जो रिस्टिक्शन दस हजार रुपए तक का ही है लेकिन हमारे प्रॉपर्टी की कीमत एक करोड़ रुपए है तो क्या उस कोर्ट में मैं जाऊंगा जिसका मैक्सिमम जो रिस्टिक्शन दस हजार रुपये आया तो वो तो कोर्ट कॉम्पिटेंट ही नहीं है हमारे मैटर को डिसाइड करने के लिए तो उसमें हम कैसे सूट दाखिल करेंगे तो इसलिए ये हमको यहाँ पे निर्धारित करने की जरूरत है कि आर्थिक अधिकारिता के तहत ही हमको जाना है मान लीजिए कि मैं ऐसे न्यायालय में चला गया जिसको आर्थिक अधिकारिता नहीं है और मैंने अपने मामले को इंस्टीट्यूट कर दिया और गलती से उस कोर्ट ने हमारे मामले को एक्सेप्ट भी कर लिया और डिसाइड भी कर दिया तो ऐसे डिक्री की वैल्यू जीरो होती है नलिटी बोलते हैं इसको कानून की भाषा में एन यू डबल एल आई टी वाई नलिटी माने शून्य है उसकी उसका जो मूल्य है वो शून्य है उसके निर्णय का उस निर्णय का कोई महत्व तो नहीं है कानून की दृष्टि में क्योंकि वो ऐसे न्यायालय के द्वारा निस्तारित की गई है जिसके पास अधिकारिता ही नहीं है ठीक है तो आर्थिक अधिकारिता का बड़ा महत्व है क्षेत्रीय अधिकारिता में अगर थोड़ा गड़बड़ भी हो जाता है और बाद में पता चलता है अरे तो दूसरे क्षेत्र का था तो वो तो चल जाएगा कोई बात नहीं है लेकिन अगर आर्थिक अधिकारिता में कमी है और आप उस कोर्ट से निस्तारित करवा लिए जिस कोर्ट को उतने पैसे का जो रिस्ट्रिक्शन ही नहीं था तो आपका पूरा का पूरा मामला शून्य हो जाएगा और उस निर्णय का कोई मतलब नहीं रहेगा तो क्षेत्रीय इसको बोलते हैं हम आर्थिक अधिकारिता तीसरा अधिकारिता है विषय वस्तु की अधिकारिता ध्यान दीजिए विषय वस्तु की अधिकारिता आप कानपुर में ही जाते हैं क्षेत्रीय अधिकारिता है आप उसी न्यायालय में जाते हैं जिसमें उतना उसको क्षेत्राधिकार है पैसे के मामले में वो भी ठीक है लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो सब्जेक्ट मैटर आप लेके जाते हैं जो विषय वस्तु लेके जाते हैं क्या वह विषय वस्तु सुनने के लिए वो न्यायालय सक्षम है कि नहीं है जैसे कुछ एक दो मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं जैसे मान लीजिए फैमिली डिस्प्यूट है पारिवारिक मुकदमा है तो पारिवारिक मुकदमा हमेशा का हमेशा पारिवारिक कोर्ट में जाएगा अब मान लीजिए मुकदमा पारिवारिक है और आप लेकर के चले गए उसको आपराधिक कोर्ट में या आप उसको लेकर चले गए सिविल कोर्ट में तो नहीं चलेगा पारिवारिक मामला पारिवारिक न्यायालय में जाएगा उसी तरीके से अगर आपके सिविल राइट का वायलेशन हुआ है सिविल अधिकारों का वायलेशन और उल्लंघन हुआ है तो सिविल अधिकारों के उल्लंघन के लिए आप सिविल न्यायालय में जाएंगे अगर मर्डर हो गया चोरी हो गई डकैती हो गई या लूट हो गई तब उसके लिए आप आपराधिक न्यायालय में जाएंगे तो कहने का मतलब है कि विषय वस्तु क्या है तो जिस तरीके की विषय वस्तु है उस तरीके की अदालत में आपको जाना पड़ेगा और तमाम तरीके की अदालत स्थापित किए गए हैं देश के विभिन्न भागों में अगर आप दिल्ली जैसे बड़े बड़े महानगरों और कलकत्ता और बॉम्बे की आप बात करेंगे बड़े बड़े महानगरों में तो उसमें और भी बाइफर्केशन है जिसमें चेक बाउंस का मामला अगर आप दिल्ली में जाएंगे तो चेक बाउंस की अलग न्यायालय है तो हालांकि चेक बाउंस भी एक सिविल मामला है लेकिन क्रिमिनल भी है और सिविल भी है अगर आप एनआई एक्ट में देखेंगे तो उसका क्रिमिनल नेचर है जिसका प्राजिक्यूशन मजिस्ट्रेट करता है तो कुल मिलाकर के कहने का यह मतलब है कि अलग तरीके के न्यायालय बनाए गए हैं उन अलग अलग न्यायालयों में अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट मैटर को आप लेके जा सकते हैं विषय वस्तु को लेके जा सकते हैं तो ये तीन तरीके का जो मेन क्लासिफिकेशन है जो रिस्ट्रिक्शन को लेकर पाला है क्षेत्रीय दूसरा है आर्थिक और तीसरा है विषय वस्तु तो ये तीन तरीके की अधिकारिता है जिसको आप जब मुकदमा दाखिल करते हैं तो आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए तो ये था अधिकारिता के मामले में जो टॉपिक हमारा था मैं फिर से स्लाइड पे जाता हूं सिविल न्यायालय की अधिकारिता और सिविल प्रकृति के वाद तो अभी तो हम लोगों ने देखा सिविल न्यायालय की अधिकारिता जिसमें हम लोगों ने देख लिया तीन चीजें क्षेत्रीय आर्थिक और विषय वस्तु अब हम लोगों को जाना है सिविल प्रकृति के, प्रकृत के वाद क्या है तो सिविल प्रकृति के वाद में अब जब आप जाएंगे तो हमको ये समझने की जरूरत है कि सिविल प्रकृति के वाद का क्या अर्थ है ध्यान दीजिए इसके लिए हमारे सीपीसी में धारा नौ है धारा नौ धारा नौ सिविल प्रक्रिया संहिता की बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है मैं सारे ऑडियंस को यह बताना चाह रहा हूं क्योंकि धारा नौ को हम सीपीसी का प्रवेश द्वार बोलते हैं सीपीसी का प्रवेश द्वार है धारा नौ धारा नौ से होकर के ही सारे मामले सीपीसी में जाते हैं अगर धारा नौ का दरवाजा बंद हो गया तो सीपीसी का दरवाजा मुकदमे के लिए बंद हो जाएगा इसको एंट्रेंस गेट बोलते हैं तो सीपीसी मोशन में कब आएगी सिविल प्रक्रिया संहिता एक्शन में कब आएगी जब धारा नौ के सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे और धारा नौ की अगर कंडीशन सेटिस नहीं हो गई तो सीपीसी जो है वह में वो सो ही में में रहेगी रहेगी सोई एक्शन नहीं नहीं आएगी मोशन में नहीं आएगी मोशन तो सीपीसी को मोशन में ले आने के लिए धारा नौ के एसेंशियल एलिमेंट को करने की जरूरत है आपको न्यायालय के अंदर तो यह है धारा नौ अब धारा नौ में हम आते हैं आखिर धारा नौ है क्या जिसके मूल तत्वों को हमको सेटिस्फाई करना पड़ेगा न्यायालय में धारा नौ क्या है धारा नौ बताती है कि सिविल प्रकृति के वाद का क्या मतलब है क्योंकि सीपीसी के तहत केवल और केवल सिविल प्रकृति के वाद का दाखिल किया जाना सिविल प्रकृति के वाद का अन्वेषण और इंक्वायरी किया जाना और सिविल प्रकृति के वाद का निस्तारित किया जाना तो सीपीसी में केवल सिविल प्रकृति की बात होगी इसीलिए धारा नौ बताता है कि सिविल प्रकृति के वाद का क्या मतलब है तो इसमें अगर आप देखेंगे धारा नौ क्या बताती है धारा नौ में लिखा हुआ है कि सिविल कोर्ट को सिविल प्रकृति के बाद के निस्तारण का अधिकार होगा सिविल कोर्ट को सिविल प्रकृति के बाद के निस्तारण का अधिकार होगा विचारण का अधिकार होगा तो अगर हमारा मामला सिविल प्रकृति का है तो हम उसको सिविल कोर्ट में लेके जाएंगे और सिविल कोर्ट निश्चित रूप से हमारे मामले का संज्ञान लेगी ऐसा नहीं सिविल कोर्ट कह सकती है कि नहीं नहीं हमारे पास तो बहुत मामला पेंडिंग है और आप लेके आ गए तो और भी पेंडेंसी बढ़ जाएगी तो आप किसी दूसरे अदालत में चले जाएं आप हमारे पास न आए ये सिविल कोर्ट को नहीं कहने दिया जाएगा क्यों क्योंकि धारा नौ की जो शुरू की लाइन है वो सिविल कोर्ट को मैंडेटरी जुरिस्डिक्शन कन्फर करती है वो कहती है सिविल कोर्ट को सिविल प्रकृति तर, तर, के वादों के निस्तारण का और सिविल प्रकृति के वादों के विचारण का अधिकार होगा ही होगा तो आप व्यक्ति को यह के लौटा नहीं सकते हैं कि आपके पास बहुत काम है और आप दूसरे अदालत में चले जाओ क्योंकि भारत जैसे देश में एक लीगल मैगजिम चलती है उस मैगजिम को हम बोलते हैं यह लैटिन मैगजिम है इसको हम बोलते हैं यूबी जस ईबी रिमीडियम ये एक मैगजिम चलती है यूबी जस का मतलब जहां अधिकार है और ईबी रिमीडियम का मतलब वहां उपचार है जहां अधिकार है वहां उपचार है ये इसका मतलब माने अगर हमारा अधिकार प्रभावित हो गया तो इसके लिए कानून में उपचार उपलब्ध है हमारे लिए तो धारा नौ जो है इसी मैगजिम के आधार पर बेस्ड है जो ये बताती है कि अगर आपका सिविल राइट प्रभावित हो गया और आप सिविल कोर्ट में लेके जाते हैं और आपका मामला सिविल नेचर का है तो सिविल कोर्ट को उसके निस्तारण का मैंडेटरी जो रिस्ट्रिक्शन होगा सिविल कोर्ट आपको मना नहीं कर सकती नहीं तो ये किसका डिनायल हो जाएगा ये डिनाइल हो जाएगा यूबी ज सीबी रिमीडियम का ये डिनाइल हो जाएगा संविधान के विशिष्ट प्रावधानों का जिसमें भारत का संविधान सबके लिए न्याय की संकल्पना करता है तो अगर कोर्ट को ये डिस्क्रिशनरी ज्यूरिसडिक्शन दे दिया जाएगा तो कोर्ट मन करेगा आपके मामले को सुनेगी नहीं मन करेगा तो आपके मामले को नहीं सुनेगी क्योंकि वो उसका डिस्क्रिशन हो जाएगा इसलिए सेक्शन 9 में डिस्क्रिशन न दे करके ये मैंडेटरी ज्यूरिसडिक्शन कंफर्ट करता है सेक्शन 9 और कहता है आपको सिविल प्रकृति के वाद का निस्तारण करना ही होगा क्योंकि ईबी जस्ट ईबी रिमेडीयम क्योंकि भारत के संविधान के प्रस्तावना में न्याय सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो सिक्योर करता है संविधान सारे नागरिकों को और सारे लोगों को तो ये सारे जो गोल्डन प्रिंसिपल हैं इनको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे आप तो सीपीसी का धारा नौ की जो बिगनिंग लाइन है यही बात कहती है अगर सूट सिविल नेचर का है तो उसके निस्तारण का अधिकार सिविल न्यायालयों को होगा ही होगा तो ये सेक्शन नौ इस चीज की बात करता है लेकिन इतना ही अभी बताता है बिगनिंग लाइन में कि सिविल प्रकृति के वादों के निस्तारण करने का अधिकार सिविल कोर्ट को होगा अब क्वेश्चन है कि सिविल प्रकृति का वाद क्या है अभी तो यह बताया नहीं हाँ उसको अधिकार तो लेकिन वाद क्या है आगे यह बताता है कि सिविल प्रकृति का वाद क्या है तो इसके लिए हमारे पास दो तरीके के एक्सप्लेनेशन है धारा नौ में अगर आप पढ़ेंगे सीपीसी में तो इसमें एक्सप्लेनेशन वन स्पष्टीकरण वन और स्पष्टीकरण दो।, दो लिखा गया है एक्सप्लेनेशन वन एक्सप्लेनेशन टू एक्सप्लेनेशन वन में बताया गया है कि क्या मतलब है सिविल प्रकृति के वाद का ध्यान दीजिए सिविल प्रकृति के वाद में लिखा हुआ है कि वो सारे वाद सिविल प्रकृति के होंगे जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति के अधिकार से संबंधित प्रश्न है पॉइंट नंबर वन और पॉइंट नंबर टू राइट टू ऑफिस पद के अधिकार से संबंधित वाद है तो या तो आपका वाद संपत्ति से संबंधित है या तो आपका वाद पद से संबंधित है इन दोनों मामले को हम कहते हैं सिविल प्रकृति का वाद ठीक है ना तो चाहे वह पद से संबंधित है चाहे संपत्ति से संबंधित है अब इन दोनों को हम थोड़ा अलग अलग देखेंगे क्या मतलब है कि वाद संपत्ति से संबंधित है संपत्ति से संबंधित सारे मुकदमे किस तरीके के हैं सिविल प्रकृति के हैं अब ध्यान दीजिए संपत्ति का क्या मतलब यहां संपत्ति का मतलब बहुत ही बृहद है ध्यान दीजिए बहुत ही बृहद है इस संपत्ति में सब कुछ समाहित है जो आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं जैसे वो संपत्ति वो प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है इमूवेबल भी हो सकती है चल और अचल संपत्ति हो सकती है वो संपत्ति टेंजिबल और इंटेंजिबल हो सकती है टेंजिबल का मतलब जिसको छू सकते हैं इनटेंजिबुल का मतलब जिसको छू नहीं सकते इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी आ जाती है और इसमें और तरीके की जिसको आप दिमाग में सोच सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते जैसे सूट दाखिल करने का अधिकार इसको आप छू नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं मेरा अधिकार है तो आपका अधिकार भी आपकी संपत्ति है तो टेंजेबुल इनटेंजेबल भी है कार्पोरियल और इनकारपोरियल प्रॉपर्टी ये भी इंक्लूडेड है संपत्ति के अंदर तो संपत्ति की बड़ी बृहद परिभाषा है यहाँ पे और संपत्ति का मतलब किसी भी प्रकार की और सभी प्रकार की संपत्ति धारा नौ के तहत आती है तो इसमें संपत्ति का बहुत बृहद मीनिंग है इसको हम बोलते हैं संपत्ति से संबंधित वाद तो अगर संपत्ति से संबंधित वाद है तो धारा नौ में वह सिविल प्रकृति का वाद हो जाएगा और आप सिविल कोर्ट के ज्योरिस्डिक्शन को इन्वोक कर सकते हो दूसरा है इसमें पद से संबंधित वाद जो स्लाइड में आपको दिख भी रहा होगा संपत्ति से संबंधित वाद और पद से संबंधित वाद अब संपत्ति में तो हम लोगों ने देख लिया किसी भी तरीके की संपत्ति चाहे वह मोबेबुल है इमोवेबुल है कार्पोरियल है इनकारपोरियल है टेंजिबल है इनटेंजिबुल है इवन राइट भी प्रॉपर्टी है अधिकार भी संपत्ति है तो बड़ा वाइड सा डेफिनेशन है अब पद पे थोड़ा सा आप आइए पद का क्या मतलब पद का मतलब ऑफिस अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ऑफिस तो कोई सा भी पद ध्यान दीजिए कोई सा भी पद मैं प्रोफेसर हूं दिल्ली विश्वविद्यालय में और इस पद को लेकर के अगर कोई दिक्कत होती है हमारे साथ तो मैं मुकदमा दाखिल कर सकता हूं क्योंकि ये पब्लिक ऑफिस है तो पब्लिक ऑफिस से संबंधित जो मेरा अधिकार है ये सिविल अधिकार है और इसको हमको राज्य ने दिया हुआ है तब हम उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो इसको अगर कोई लेने का प्रयास करेगा तो मैं मुकदमा दाखिल कर दूंगा क्योंकि ये मेरा अधिकार है आप इसको नहीं ले सकते तो पद का मतलब किसी भी तरीके का आप ये पब्लिक में प्रोफेसर का एग्जाम्पल दिया ये तो ये पब्लिक पोस्ट है क्या रिलीजियस पोस्ट भी इसमें आता है धार्मिक पद भी इसमें आते हैं जैसे मान लीजिए काशी विश्वनाथ मंदिर का महंत कौन होगा क्या यह भी क्वेश्चन कोर्ट निर्धारित करेगी तो पद का मतलब यह कोई जरूरी नहीं है कि वह धार्मिक पद है कि वो स्टेट का पद है यह कोई जरूरी नहीं है धार्मिक पद भी लोक पद है क्योंकि धार्मिक पद का जो संकल्पना है वह ट्रस्ट एक्ट से निर्धारित किया जाता है पब्लिक ट्रस्ट एक्ट है पब्लिक रिलीजियस ट्रस्ट एक्ट है इसमें तो ट्रस्ट एक्ट गवर्नमेंट ने बनाया है उसके तहत जो महंत का अपॉइंटमेंट होता है मंदिर का महंत और वक्फ का और मस्जिद का मुतवल्ली ये सब पब्लिक ऑफिस है तो हालांकि ये रिलीजियस गुरु हैं ये अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं नहीं ये तो रिलीजियस पोस्ट है ये ऑफिस नहीं है ये पद नहीं है इसके लिए मुकदमा नहीं दाखिल हो सकता है। इसके लिए भी मुकदमा दाखिल हो सकता है पद का मतलब किसी भी तरीके का पद और जब स्पष्टीकरण दो आप देखेंगे तो उसमें बताया गया है पद कैसा तो उसमें बताया गया है पद के लिए कोई जरूरी नहीं है कि कोई स्थान निर्धारित हो पद के लिए यह भी नहीं जरूरी है कि पद से संबंधित कोई स्थान हो स्थान हो या फीस हो यह कोई जरूरी नहीं है बिना स्थान के भी और बिना फीस के भी पद पद हो सकता है जैसे मान लीजिए मेरा मन कर रहा है कि मैं आईआईटी कानपुर में आऊं और बिना पैसे के मैं लेक्चर दूं लोगों की जानकारी के लिए और आईआईटी कानपुर हमको बुला लेता है मैं बिना पैसे के आता हूं यहां पे कोई पैसा नहीं लेता और यहां आने के बाद आईआईटी कानपुर हमसे कहता है कि नहीं नहीं हम आपका लेक्चर रिकॉर्ड नहीं करेंगे भले हम कहे थे लेकिन हम आप जाइए हम आपका लेक्चर नहीं रिकॉर्ड करेंगे ऐसा नहीं बोल सकता आई आई टी कानपुर ये नहीं कह सकता कि आप तो पैसा लिए ही नहीं है इसमें जब पैसा ही नहीं लिए हैं तो आपको घाटा क्या हुआ है आप चले जाइए ये नहीं है उसमें फीस है कि नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है चूंकि कमिटमेंट है जिसमें आपने हमको एक पद दिया है थोड़ी देर को करने के लिए वो पद हमारा पब्लिक राइट है और अगर उसका वायलेशन करेंगे तो मैं आपके खिलाफ मुकदमा दाखिल कर दूंगा तो पद का मतलब ये पद से स्थान से कोई मतलब नहीं है हमारे लिए बड़ी ऑफिस बनी है कि नहीं कुर्सियां लगी है कि नहीं इसे कोई मतलब नहीं है कुछ भी नहीं है पद मीन्स मेयर ऑफिस इज तो केवल ऑफिस ही अपने आप में पर्याप्त है तो तो इसको बोलते हैं पद तो पद की भी जो जो परिभाषा है ना वो बड़ी बृहद परिभाषा है पद किसी भी तरीके का पब्लिक ऑफिस ऑफिस हो रिलीजियस हो उसके लिए प्लेस निर्धारित हो नहीं हो उसके लिए फीस निर्धारित हो नहीं हो इससे कोई मतलब नहीं है अगर राइट टू ऑफिस क्वेश्चन में है तो ये सिविल प्रकृति का बाद है और इसके लिए आप सिविल न्यायालय के जोरिस्टिक्शन को इन्वोक कर सकते हैं तो हम लोगों ने दो चीज देखा इसमें संपत्ति से संबंधित वाद और पद से संबंधित वाद संपत्ति को भी हम लोगों ने देखा किसी भी तरीके की संपत्ति किसी भी तरीके की संपत्ति और पद को भी हम लोगों ने देखा किसी भी तरीके का पद अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए संपत्ति में किसी भी तरीके की संपत्ति क्या इसमें रिलीजियस संपत्ति भी आती है धार्मिक संपत्ति भी आती है ध्यान दीजिए अभी कुछ दिन पहले अगर आप देखे होंगे राम मंदिर का निर्माण हुआ था देश में अयोध्या में अगर आप देखे होंगे और राम मंदिर का जो निर्माण हुआ था इसको आप देखेंगे थोड़ा सा और पहले जाएंगे तो ये मामला दाखिल किया गया था कोर्ट में बहुत पहले से और लंबित होते होते ये उच्चतम न्यायालय तक गया और अल्टीमेटली उच्चतम न्यायालय में ने इसमें अपना निर्णय दिया कि भाई अयोध्या में उस स्ट्रक्चर को देखने के बाद ये पता चलता है कि उसके पहले वहां पे क्या था मंदिर था और मंदिर को गिरा करके कोई डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर वहां पे तैयार कर दिया गया है और कोर्ट ने जितने एविडेंसेस प्रस्तुत किए गए थे लोगों के द्वारा हिस्टोरियंस के द्वारा एडवोकेट्स के द्वारा वो सारे साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पे पहुंची और मामले को निस्तारित कर दिया तो ये प्रॉपर्टी कैसी थी ये प्रॉपर्टी रिलीजियस प्रॉपर्टी थी ये प्रॉपर्टी मंदिर की है कि मस्जिद की है तो संपत्ति तो धार्मिक संपत्ति है लेकिन इसका निस्तारण किसने किया इसका निस्तारण न्यायालय ने किया तो यह क्वेश्चन नहीं है कि धार्मिक संपत्ति कैसी संपत्ति किसी भी तरीके की इवन रिलीजियस प्रॉपर्टी भी डिसाइड हो जाएगी कोर्ट के द्वारा अगर धार्मिक संपत्ति है तो वो भी सब्जेक्ट मैटर है सूट ऑफ सिविल नेचर का और वो भी कोर्ट में चला जाएगा लेकिन इसी के कॉन्ट्राडिक्शन में अगर आप देखेंगे

क्योंकि ऑफिस से मैं लेट छूटता हूं और मैं जाता हूं तो मैं कहता हूं अरे आपने मंदिर बंद कर दिया हमको तो बाबा को जल चढ़ाना था आज महाशिवरात्रि है पुजारी जी कहते हैं नहीं भाई हमारे मंदिर का नियम है कि हम आठ बजे इसको बंद कर देते हैं हम आठ बजे के बाद किसी को जल नहीं चढ़ाने देते हैं तो पूजा करने का अधिकार हमारा सिविल अधिकार है तो क्या मैं पुजारी जी के खिलाफ मुकदमा दाखिल कर दूं कि आपने मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया इसलिए मुझे पूजा नहीं करने दिया गया ना ये धार्मिक क्वेश्चन है ये धार्मिक प्रश्न है और कैसा धार्मिक है यह शुद्ध और विशुद्ध धार्मिक प्रश्न है तो शुद्ध और विशुद्ध धार्मिक प्रश्नों का निस्तारण न्यायालय नहीं करती है इसको रिलीजियस गुरु ही बताते हैं धार्मिक गुरु ही बताते हैं अगर पंडित जी ने बता दिया कि नहीं मंदिर का नियम है आठ बजे का पाठ बंद हो जाएगा तो आठ बजे के बाद आपको पूजा नहीं करने दिया जाएगा इसको आप सिविल राइट के रूप में नहीं क्लेम कर सकते इसी तरीके से आप देखें देखते होंगे ईद कम मनाई जाएगी तो इमाम बोलता है मस्जिद से और जब इमाम ने बोल दिया शाही इमाम जामा मस्जिद से कि नहीं इतने बजे चांद निकलेगा और ईद मनाई जाएगी सारे देश के मुसलमान और विश्व के मुसलमान उसी समय ईद मनाते हैं अब ये ये क्वेश्चन न्यायालय में नहीं जाएगा कि कोई ग्रुप कहे सिया वाला ग्रुप कहे कि नहीं नहीं चांद तो इस समय निकला सुन्नी ग्रुप कहे चांद तो इस समय निकला और इसका निस्तारण न्यायालय करे न्यायालय इसका निस्तारण नहीं करेगी क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन है ये विशुद्ध धार्मिक प्रश्न है और विशुद्ध धार्मिक प्रश्नों का निस्तारण न्यायालय नहीं करती इसको रिलीजियस तो संपत्ति संपत्ति नहीं आता एक मैं एग्जाम्पल आपको बताऊं अपना पर्सनल एग्जाम्पल बता रहा हूं एक बार क्या हुआ कि मैं एक मंदिर में पूजा करने गया उस मंदिर में अक्सर पूजा करने जाता था और अक्सर मैं शाम को वहां छह बजे के आसपास पहुंचता था देहरादून की बात मैं आपको बता रहा हूं और वहां पे घने जंगल में देवी का एक मंदिर था बहुत ही अच्छा मंदिर था शांत जगह पे और शाम के समय वहां लेपर्ड वगैरह आ जाते थे जंगली जानवर आ जाते थे इसलिए वो मंदिर भी बंद हो जाता था और वहां पे एडवाइज करी जाती थी कि आना भी है तो बंद गाड़ी से आप आए स्कूटर से बाइक से न आए क्योंकि जंगली जानवर आ जाते हैं एक बार थोड़ा सा मुझे लेट हो गया और मैं साढ़े के आसपास उस मंदिर में पहुंचा और मैं पहुंचा तो जैसे यूजअली मैं जाता था तो घंटा बजा करके और देवी का पूजा करता था प्रसाद चढ़ा के आ जाता था पंडित जी से भी बातचीत होती थी प्रसाद भी खाता था आता था लेकिन वो मैं छः बजे पाँच बजे के आसपास करता था उस दिन साढ़े बजे या साढ़े छः बजे मैं जब पहुंचा उस मंदिर में तो जैसे मैं जाता था वैसे ही जाकर मैं टनाटन घंटा बजा दिया मंदिर का जैसे ही मैं घंटा बजाया पंडित जी हमारे में बिगड़ खड़े हो गए उन्होंने कहा आपने घंटा क्यों बजा दिया मैंने कहा अरे पंडित जी मैं तो अक्सर आता हूँ मैं ऐसे ही पूजा करता हूँ उन्होंने कहा नहीं ये तो गलत कर दिया आपने इस मंदिर का नियम है कि साढ़े छः बजे तक ही इस मंदिर में पूजा पाठ होता है साढ़े छः बजे मैं देवी को भोग लगा करके आरती करके मंदिर बंद कर देता हूँ और मैंने भोग भी लगा दिया था आरती भी कर दिया था अब आपने घंटा बजा दिया अब देवी फिर से जग गई और अब हमको ये सारी प्रक्रिया फिर से करनी पड़ेगी तो ये आपने गलत काम कर दिया पंडित जी ने हमको मना किया इस बात को लेकर के तो क्या मैं उस पंडित जी के खिलाफ मुकदमा दाखिल करूं कि भाई पूजा करने का अधिकार तो हमारा सिविल अधिकार था और आपने मंदिर में हमको घंटा नहीं बजाने दिया ये तो हमारे अधिकारों का आपने वायलेशन कर दिया ना ये मुकदमा नहीं दाखिल होगा तो हालांकि प्रॉपर्टी अगर है संपत्ति है रामलला की वो प्रॉपर्टी है कि वो बाबरी मास्क की प्रॉपर्टी है ये तो कोर्ट ने डिसाइड कर दिया लेकिन प्योरली रिलीजियस क्वेश्चन कोर्ट नहीं डिसाइड करेगी ये रिलीजियस गुरु का डोमेन है किसी भी तरीके का प्रश्न प्रॉपर्टी से संबंधित इवन रिलीजियस प्रश्न भी है प्रॉपर्टी से संबंधित तो कोर्ट डिसाइड करेगी लेकिन प्योरली रिलीजियस क्वेश्चन कोर्ट नहीं डिसाइड करेगी उसको कोर्ट छोड़ देगी धार्मिक गुरुओं के ऊपर उसी तरीके से हम एक चीज को लेकर चलते हैं एक और एग्जाम्पल है कास्ट क्वेश्चन जातिगत प्रश्न ध्यान दीजिए जातिगत प्रश्न ये भी एक बात आती है कि जाति से संबंधित प्रश्न क्या न्यायालय निस्तारित करेगी कि नहीं करेगी शुद्ध जातिगत प्रश्न है या जाति से संबंधित सिविल अधिकार का प्रश्न है जैसे मैं इसको दो, दो एग्जाम्पल देता हूं आपको एक आदमी है और उसके उसको मुहल्लो ने जाति निकाला दे दिया क्यों जाति निकाला दे दिया क्योंकि वो आदमी मान लीजिए क्रिश्चियन है मान लीजिए फर्ज करें आप मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं वो क्रिश्चियन आदमी है और जिस मोहल्ले में रहता है उसमें कुछ क्रिश्चियंस भी रहते हैं हिंदूज भी रहते हैं तो वो क्या करता है वो मंदिर में भी जाया करता है जब वो मंदिर में जाता है तो ये बात क्रिश्चियन कम्युनिटी में फैल गई और लोगों ने पादरी को जाके बता दिया कि ये क्रिश्चियन होते हुए भी मंदिर में भी जाता है तो पादरी साहब ने उसको क्रिश्चियन कम्युनिटी से निकाल दिया उन्होंने कहा कि नहीं तुम चूंकि हिंदू मंदिर में जाते हो इसलिए आज के बाद तुमको क्रिश्चियनिटी फॉलो नहीं करने दिया जाएगा तुम हमारे समाज से निकल जाओ और डिक्लेयर करके उसको लोगों ने जाति निकाला धर्म निकाला दे दिया ये मामला कैसा है क्या इसके लिए वो सूट फाइल कर दे न्यायालय में कि भाई इन लोगों ने मिलकर के हमको जाति निकाला दे दिया हाँ ध्यान दीजिए इसके लिए वो सूट फाइल कर सकता है क्योंकि ये किस कानून के तहत आता है इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट सिविल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित अधिनियम है हमारे पास जिसमें यह व्यवस्था है कि आप किसी को भी जाति निकाला देंगे तो समाज के लिए बड़ा डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा तो उसको जाति निकाला नहीं देना है आपने नहीं तो स्कैंडल हो जाएगा उसके ऊपर समाज के ऊपर तो बेचारा कैसे समाज में मुंह दिखाएगा सभी लोग कहेंगे इसको तो जिला इसको तो जाति बदर कर दिया गया है उसको तो कुजात निकाल दिया गया है उसका लोग पानी नहीं पिएंगे तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा संसार के बीच में और समाज के बीच में जीवित रहना तो इसलिए ये 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 आप, सूट आप सिविल ये सिविल 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 सूट नेचर है कोर्ट में चला जाएगा और जा करके जिन लोगों ने निकाला है उसके खिलाफ मुकदमा दाखिल कर देगा लेकिन एक दूसरा मैं एग्जांपल बताऊं उसी मोहल्ले में मान लीजिए पचास लोगों का घर है एक जाने के घर शादी पड़ी उस शादी में उन्होंने सबको बुलाया और एक को नहीं बुलाया और इसलिए वो मुकदमा दाखिल करना चाहता है कि पचास लोगों में इन्होंने उनचास लोगों को इन्वाइट किया और हमको छोड़ दिया तो इस छोड़ने से हमारी बड़ी बेइज्जती हुई है समाज में इनको हमको भी अपने घर शादी में बुलाना चाहिए था खाने पे इन्होंने नहीं बुलाया क्या इसका मुकदमा दाखिल कर सकता है ना इसका नहीं कर सकता क्योंकि ये पूरा जातिगत प्रश्न है उसका मन करेगा जिसको बुलाएगा मान लीजिए वो पर्टिकुलर कास्ट को ही बुलाना चाह रहा है पर्टिकुलर कास्ट को नहीं बुलाना चाह रहा है तो नहीं बुलाया आपको तो इसके लिए आप जबरदस्ती उसको कंपेल नहीं कर सकते न्यायालय के द्वारा कि नहीं वो आपको बुलाए ये नहीं है लेकिन वही अगर जाति निकाला दे दिया गया डिक्लेयर करके आपको तो ये सूट आप सिविल नेचर है तो ये दो जो पॉइंट हैं कि प्योरली रिलीजियस क्वेश्चन और प्योरली कास्ट क्वेश्चन शुद्ध धार्मिक प्रश्न और शुद्ध जातिगत प्रश्न ये दोनों सूट आप सिविल नेचर नहीं है ये सिविल प्रकृति के बाद नहीं है इनका अलग तरीके से ये समाज देखता है इसको धार्मिक गुरु देखते हैं इसका न्यायालय से कोई लेना देना नहीं है लेकिन अगर जाति में राइट right इंक्लूडेड है अगर धर्म के प्रश्न में अधिकार इंक्लूडेड है तब उसको सिविल कोर्ट देखेगी तो इस तरीके से हम इन दोनों चीजों को समझते हैं सेक्शन नौ में धारा नौ में तो आ, कि यह क्या मतलब है संपत्ति से संबंधित वाद और पद से संबंधित वाद तो अगर संपत्ति से संबंधित वाद है और पद से संबंधित वाद है तो धारा नौ में लिखा गया है कि सिविल न्यायालय को इसको निस्तारण करने की अधिकारिता होगी ही होगी और सिविल न्यायालय आपको वापस नहीं कर सकता लेकिन उसमें आगे लिखा हुआ है सेक्शन नौ में धारा नौ में जो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखा रहा हूं आगे क्या लिखा हुआ है देखिए आगे लिखा हुआ है कि संज्ञान वाधित ध्यान दीजिए हालांकि ये जातिगत प्रश्न है हालांकि ये प्रॉपर्टी संपत्ति से संबंधित वाद है हालांकि ये पद से संबंधित वाद है इसमें कोई प्योरली रिलीजियस क्वेश्चन इन्वॉल्व नहीं है इसमें प्योरली कास्ट क्वेश्चन इन्वॉल्व नहीं है इसमें संपत्ति है इसमें पद है लेकिन फिर भी इसको कोर्ट टेकअप नहीं करेगी फिर भी कोर्ट इसको संज्ञान नहीं लेगी क्यों क्योंकि यह संज्ञान बाधित है इसमें कोर्ट के जो को रोक दिया गया है जो सिविल कोर्ट का बार कर दिया गया है कि हालांकि ये देखने में आपको लग रहा है कि ये सूट आप सिविल नेचर का है लेकिन आपको इसको टेकअप नहीं करना है क्यों नहीं टेकअप करना है क्योंकि आपका संज्ञान रोक दिया गया आपको इस इसपे जुडिशियल माइंड लगाने की जरूरत ही नहीं है ये रोक दिया गया है कैसे रोक दिया गया है दो बातें इसमें लिखी हुई हैं या तो प्रत्यक्षतः रोक दिया गया है या अप्रत्यक्ष रूप में रोक दिया गया है ध्यान दीजिए प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में आपके संज्ञान लेने को कानून रोक दिया है हालांकि ये प्रॉपर्टी से संबंधित क्वेश्चन है हालांकि ये ऑफिस से संबंधित क्वेश्चन है लेकिन आपका संज्ञान रोक दिया गया है अब इसको कैसे समझेंगे हम लोग संज्ञान रोकने का क्या मतलब तो सबसे पहले आइए प्रत्यक्षता वादित जो स्लाइड में आपको दिख रहा है प्रत्यक्षता वादित का क्या मतलब प्रत्यक्षता संज्ञान वादित का मतलब कानून के प्रावधानों के द्वारा सिविल न्यायालय के संज्ञान को रोक दिया गया है कानून के प्रावधानों के द्वारा अब मैं एक आध एग्जाम्पल बताऊं जैसे मान लीजिए एक लेबर है जो किसी इंडस्ट्री में काम करता है और इंडस्ट्री वाले ने छंटनी कर दिया कई लेबर्स की उसमें इसकी भी छंटनी हो गई जिसको हम रिट्रेंचमेंट बोलते हैं इन हिंदी लैंग्वेज ऑफ लॉ रिट्रेंचमेंट छटनी लेबरों की छटनी कर दिया उसका कहना है भाई हमको ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रही है कम प्रॉफिट हो रही है हमारे पास 100 लेबर हैं तो कम प्रॉफिट है तो हम 50 रखेंगे तो हम सबको सैलरी दे पाएंगे तो 50 लोगों की उसने छटनी कर दिया छंटनी करने के बाद ये लेबर बड़ा प्रभावित है क्योंकि इसकी नौकरी चली गई अब नौकरी चूंकि पद का मामला है और यह सिविल कोर्ट में जाना चाह रहा है तो क्या यह लेबर सिविल कोर्ट में जाएगा ये जो प्रत्यक्षता संज्ञान बाधित है यह कहता है ना आपको सिविल कोर्ट में नहीं जाना है हालांकि ये पद से संबंधित मामला है लेकिन इसके लिए आपको स्पेशल कानून बने हुए हैं और कानून में स्पेशल कोर्ट बने हुए हैं जैसे हमारे पास है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट औद्योगिक विवाद अधिनियम उन्नीस है हमारे पास तो अगर औद्योगिक विवाद है तो आपके पास औद्योगिक न्यायालय बनी हुई है उन न्यायालय में जाइए और उनकी अधिकारिता को आप इन्वोक करें आपको सिविल कोर्ट में नहीं बैठने दिया जाएगा और नहीं आने दिया जाएगा तो इसको बोलते हैं प्रत्यक्षता इस तरीके से बहुत चीज है जैसे मान लीजिए ट्रिब्यूनल है कोई मामला का है उससे हालांकि सिविल राइट से संबंधित है लेकिन आप उसको लेकर के कहां पे जाएंगे इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल में जाएंगे न कि आप सिविल कोर्ट में जाएंगे सिमिलरली अगर कोई मामला फैमिली का है फैमिली डिस्प्यूट है तो फैमिली डिस्प्यूट को लेकर के आप फैमिली कोर्ट में जाएंगे न कि ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट में जाएंगे तो ये स्पष्टता कानून बने हुए हैं उन कानूनों में सिविल कोर्ट के संज्ञान को प्रत्यक्षता बाधित कर दिया गया है कि आप इसमें नहीं देखेंगे हालांकि वो सूट आप सिविल नेचर है लेकिन इसके लिए चूंकि स्पेसिफिक कानून है स्पेसिफिक स्पेसिफिक लॉ में तो वो कानून इसको देखेंगे आप नहीं देखेंगे तो इसको बोलते हैं प्रत्यक्षता बाधित दूसरा है अप्रत्यक्ष रूप से बाधित अप्रत्यक्ष रूप से बाधित का क्या मतलब अप्रत्यक्ष रूप से बाधित का मतलब जिसको विधि के संकल्पनाओं के द्वारा या जिसको मोरालिटी के तहत जिसको हम बोलते हैं नैतिकता के तहत जिसको रोक दिया गया है जैसे मैं आपको कुछ बात बताऊं कुछ विधिक संकल्पनाएं हैं जैसे संप्रभु का कार्य प्रश्नगत नहीं होगा सावरेन एक्ट ऑफ स्टेट शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन तो संप्रभु का कार्य क्वेश्चन में नहीं ले आया जाएगा जैसे संप्रभु का कार्य क्या है अगर मैं किसी को रोड पे जाकर के एक्सीडेंट कर देता हूं तो हमारे खिलाफ मामला बनेगा लेकिन वही रोड पे एक्सीडेंट कोई पुलिस वाला कर देता है अपने ऑफिशियल फंक्शन के परफॉर्मेंस के दौरान जानबूझ के नहीं ऑफिशियल फंक्शन के परफॉर्मेंस के दौरान उससे कोई गलती हो जाती है टार्ट कमिट हो जाता है किसी के अगेंस्ट तो उसमें अगर आप सूट फाइल करना चाहेंगे तो इसको हम साबरन एक्शन के तहत ले आते हैं और साबरन एक्शन स्टेट का जिसके लिए स्टेट को आप रिस्पॉन्सिबल नहीं करेंगे तो हालांकि वो रंग कमिट किया है बट उसको आप रिस्पांसिबल नहीं करेंगे क्योंकि वो सॉवरेन एक्ट है स्टेट का इसको हम बोलते हैं सॉवरेन इम्यूनिटी प्रिंसिपल लॉ में इसको हम बोलते हैं संप्रभु के उन्मुक्तता का विशेष अधिकार तो संप्रभु को उन्मुक्त कर दिया गया है कानून में विशेष दर्जा प्रदान करके हालांकि इसमें देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में धारा तीन सौ है अनुच्छेद तीन सौ अनुच्छेद तीन सौ में इसकी व्यवस्था है कि अपकृत्य के लिए पब्लिक सर्वेंट को और स्टेट को आप कितना रिस्पांसिबल करेंगे तो उसमें कई बातें हैं आप बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो पी एन ओ नेविगेशन कंपनी का जजमेंट आपको दिखेगा जिसमें संप्रभु और नॉन संप्रभु एक्ट में डिफरेंस क्रिएट किया गया था कोर्ट के द्वारा इसके बाद कई ऐसे मामले आए थे जिनका निस्तारण हुआ था और करते करते विद्यावती वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का जजमेंट था जिसमें कोर्ट ने थोड़ा और भी इसको रिलैक्स किया था वो अलग कहानी है मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं लेकिन यहां पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अप्रत्यक्ष रूप से बाधित का मतलब जो विधि के संकल्पनाओं के द्वारा बाधित है जिसमें सावरन इम्यूनिटी हो गया संप्रभु उन्मुक्तता का सिद्धांत हो गया तो इसमें हालांकि वो लग रहा है आपके राइट को प्रभावित हुआ है लेकिन आप इसको सिविल कोर्ट में नहीं ले जाएंगे इसी तरीके से पॉलिटिकल क्वेश्चन है राजनीतिक प्रश्न ध्यान दीजिए राजनीतिक प्रश्न को भी आप सिविल कोर्ट में नहीं लेके जाएंगे क्योंकि पॉलिटिकल क्वेश्चन को कोर्ट नहीं डिसाइड करती जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं पेट्रोल का दाम बहुत तेज बढ़ गया प्याज का दाम बहुत तेज बढ़ गया टमाटर का दाम बहुत तेज बढ़ गया और आप इसको लेकर के कोर्ट में जा रहे हैं कोर्ट कहेगी कि भाई क्यों दाम बढ़ गया क्योंकि मार्केट में क्राइसिस हो गई तो अब इसको लेकर के कोर्ट कहेगी ये पॉलिसी का मैटर है इसको कार्यपालिका और विधायिका को डिसाइड करने दीजिए वो देखेंगे कि बाहर से प्याज मंगवाएं और प्याज की कीमत को कम करें वो देखेंगे बाहर से कच्चे तेल से वो कितना ले रहे हैं कितना पैसा दे रहे हैं अकॉर्डिंगली पेट्रोल का दाम घटेगा और बढ़ेगा तो ये जस्ट साहब इसको नहीं निर्धारित करेंगे इसको हम बोलते हैं पोलिटिकल क्वेश्चन है पॉलिसी का मैटर है तो हालांकि इससे सिविल राइट हमारा प्रभावित हो रहा है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये बाधित है और इसलिए इसका संज्ञान सिविल कोर्ट नहीं लेगी इसी तरीके से जैसे मान लीजिए नैतिकता का प्रश्न है लोक नीति के विरुद्ध कोई कार्य है जैसे मान लीजिए दो लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आपस में और वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि चलो हम लोग क्या करेंगे ना हम लोग अफीम का व्यापार करेंगे और अफीम के व्यापार में दोनों लोगों के बीच में संविदा हो जाती है वो कहते हैं कि तुमको जब इतना प्रॉफिट होगा हम भी तुमको इसमें हेल्प करेंगे वहां से अफीम ले आएंगे तुमको पहुंचाएंगे तुम मार्केट में बेचोगे जो प्रॉफिट होगा हम लोग आधा आधा बांट लेंगे वो ले आता है अफीम सप्लाई करके इनको देता है मार्केट में बेचते हैं और जब आधा शेयर मांगता है वो कहता है हम नहीं देंगे जब नहीं देंगे तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया इसके लिए मुकदमा दाखिल करना चाहते हैं क्या सिविल कोर्ट में ऐसा मुकदमा आप दाखिल कर सकते हैं ना इसको हम बोलते हैं अप्रत्यक्षता क्योंकि यह नैतिकता के तहत वाधित है लोक नीति के तहत वाधित है क्योंकि आप उसी चीज का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जो कानून के द्वारा परमिशबल है हम इसको बोलते हैं रेस एक्स्ट्रा कॉमर्सियम वो सब्जेक्ट मैटर जो कॉमर्स का विषय वस्तु नहीं है उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता दो लोगों से बीच में अब जैसे अफीम है प्रोहिबिटेड ड्रग्स है ये नहीं है कॉमर्स का सब्जेक्ट मैटर ये एक्स्ट्रा कॉमर्सियम है तो इनका अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट आप इंप्लीमेंट नहीं करा सकते क्योंकि यह नीति के विरुद्ध है तो हालांकि इसमें सिविल राइट उसका प्रभावित हुआ है क्योंकि बेचारा इतना मेहनत किया आप हिम कहीं से प्रोक्योर करके ले आए इनको दिया ये बेचे मार्केट में आधा इसको चाहिए अगर आप ऐसे पूछेंगे लेकिन इसको आप कोर्ट से नहीं ले सकते क्योंकि यह नीति से बाधित है तो इसको हम बोलते हैं प्रत्यक्षता और अप्रत्यक्षता तो हालांकि सिविल कोर्ट सारे सिविल नेचर के सूट को देखेगी सारे सिविल कोर्ट के सूट के नेचर को देखेगी लेकिन ऐसे सूट को नहीं देखेगी जिसका संज्ञान प्रत्यक्षता और अप्रत्यक्षता बाधित है ऐसे को नहीं देखेगी अब हम लोगों ने देख लिया प्रत्यक्षता बाधित का क्या मतलब और अप्रत्यक्षता बाधित का क्या मतलब ये भी हम लोगों ने देख लिया और हम लोगों ने यह भी देख लिया कि सूट ऑफ सिविल नेचर का क्या मतलब जिसमें या तो राइट टू प्रॉपर्टी हो या राइट टू ऑफिस हो हम लोगों ने यह भी देख लिया कि राइट टू प्रॉपर्टी का क्या मतलब और राइट टू ऑफिस का क्या मतलब हम लोगों ने देखा राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी राइट टू ऑफिस का मतलब किसी तरीके की ऑफिस लेकिन इसमें प्योरली रिलीजियस क्वेश्चन और प्योरली कास्ट क्वेश्चन नहीं आएगा जो शुद्ध धार्मिक मामला है और जो शुद्ध जातिगत प्रश्न है वो इसके तहत नहीं आएगा यह भी हम लोगों ने देख लिया तो इसको हम बोलते हैं सेक्शन नौ no, धारा नौ जिसमें यह बताया गया है कि सिविल प्रकृति का वाद क्या है तो दो बातें अभी तक हम लोगों ने देखा सिविल कोर्ट की अधिकारिता क्या है सिविल प्रकृति का वाद क्या है सिविल कोर्ट की अधिकारिता में हम लोगों ने देखा क्षेत्रीय अधिकारिता आर्थिक अधिकारिता और विषय वस्तु की अधिकारिता और सिविल प्रकृति के बाद में हम लोगों ने सेक्शन नौ की सारी बातों को देखा क्या क्या होगा कब कोर्ट संज्ञान लेगी कब नहीं लेगी किस मामले को सिविल न्यायालय का वाद कहेंगे किसको नहीं कहेंगे तो यह तो हम लोगों ने एक समप करने का प्रयास किया यह है धारा नौ अब थोड़ा इसमें आगे बढ़ते हैं कोर्ट के तमाम जजमेंट हैं जिसमें लिस्ट गिनाई गई है कि यह मामला सिविल प्रकृति का है और यह मामला सिविल प्रकृति का नहीं है अब इसमें कुछ कुछ मैं बातों आप, बात आपको बताऊं जैसे पूजा करने का अधिकार यह सिविल प्रकृति का वाद है पूजा करने का अधिकार एक बड़ा लीडिंग सा जजमेंट है उसका मैं थोड़ा सा आपको यहां पे साइट करूं स्वामी जगदेश्वरानंद अवधूत वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस कैलकटा जगदेश्वरानंद अवधूत वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस कैलकटा उसमें शिव के भक्त हैं वो कहते हैं कि भाई हम शिव के डिस्ट्रक्टिव रूप के फॉलोअर हैं और हम जो है नरमुंड माला पहन करके पब्लिक प्लेस पे तांडव डांस करेंगे अगर आप थोड़ा भी हिंदू मैथोलाजी को जानते होंगे तो आप जानेंगे कि शिव जो है तांडव डांस करते हैं लॉर्ड शिवा जब बड़े खुश होते हैं तो तांडव डांस करते हैं और तांडव डांस में प्रलय का एक वो रूप होता है क्योंकि वो विनाशकारी रूप होता है शिव का तो ये एक सेक्ट है शैव संप्रदाय में एक सेक्ट है जो इसको मानता है तो वो तांडव डांस करता है हाथ में उसके त्रिशूल होता है डमरू होता है गले में मुंड की माला होती है और वो मृक्षाला पहन करके पब्लिक प्लेस पे डांस करता है ये भी एक रूप है शिव के पूजा का तो ये जो जगदेश्वरानंद अवधूत का जो पूरा ग्रुप है ये कहता है भाई कलकत्ता में हम ऐसी ही पूजा करेंगे पुलिस कमिश्नर कहते हैं भाई कलकत्ता बहुत भीड़ भाड़ वाली शहर है अगर आप पूजा इसमें करेंगे तो क्या इसका रिजल्ट होगा इसका रिजल्ट ये होगा कि पब्लिक प्लेस पे भीड़ बढ़ जाएगी और इससे दिक्कत आ जाएगी यार पब्लिक कैसे आएगी जाएगी वो कहते हैं कुछ नहीं पूजा करने का अधिकार हमारा सिविल अधिकार है और इसलिए हम 12 बजे दिन को कलकत्ता के सड़क के बीच में तांडव डांस करेंगे पुलिस इसको रोक देती है कति हम आपको नहीं करने देंगे क्योंकि पब्लिक ऑर्डर का मामला है इसको लेकर के मामला कोर्ट में पहुंच जाता है और वो कहते हैं कि भाई हम ऐसा करेंगे अब कोर्ट के सामने यही क्वेश्चन है कि पुलिस सही है कि ये सही है क्योंकि पूजा करने का अधिकार सिविल अधिकार है और वो पूजा करने की मांग कर रहा है पुलिस कह रही है हम आपको पूजा नहीं करने देंगे ये कह रहे हैं पूजा नहीं करने देंगे तो ये हमारे तो पूजा के अधिकार का वायलेशन है और इसलिए हमारे सिविल राइट का वायलेशन है पुलिस कहती है कि अगर इस तरीके से हम इनको पूजा करने देंगे जैसे ये बोल रहे हैं तो ये तो पब्लिक ऑर्डर का वायलेशन हो जाएगा तो अंत में कोर्ट बीच का रास्ता निकालती है और कोर्ट कहती है ठीक है आपको पूजा करने का अधिकार है और आप इसको अधिकार स्वरूप कर सकते हो क्योंकि कानून इसमें शक्ति आपको देता है लेकिन इसको पब्लिक रोड पर करोगे और भरे दोपहरी और दिन में करोगे और भीड़ वाले स्थान पर करोगे ऐसी बात नहीं है आप इसको करो लेकिन ऐसे जगह पे करो जिसमें पब्लिक को इनकन्वीनियंस ना हो कोर्ट ने इसको ऐसे रिजॉल्व किया पूजा करने का अधिकार आपका सिविल अधिकार है इसको आप कोर्ट में लेके जा सकते हो लेकिन कहां करोगे और कब करोगे ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात है और ये स्टेट रेगुलेट करेगा समय समय पे इसको ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है आपका रादर ये रिस्ट्रिक्टेड राइट है और रिस्ट्रिक्शन पब्लिक ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए कानून के द्वारा बनाया गया है तो ये पूजा करने का अधिकार एक पहला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया एक ऐसा है सूट ऑफ सिविल नेचर है सिविल प्रकृति का बात है इसी तरीके से धार्मिक जुलूस निकालने का अधिकार है इसी तरीके से आप देखेंगे संविदा भंग के लिए क्षतिपूर्ति का अधिकार है जैसे मान लीजिए हमारे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया एक हजार रुपए का हमारे आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है और उस कॉन्ट्रैक्ट को जब हम लोग परफॉर्म करते हैं तो बेनिफिट होती है दस हजार रुपए की उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि जब जो बेनिफिट होगी हम लोग आधा आधा बांट लेंगे आप क्या करते हैं बेनिफिट होने के बाद हमको दो हजार ही देते हैं अपने आठ हजार लेते हैं मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूं अब मैं सिविल कोर्ट में जाता हूं मैं मुकदमा दाखिल करने जाता हूं मैं सिविल कोर्ट में जाऊंगा मुकदमा दाखिल करूंगा और मैं आपसे पांच हजार रुपया लूंगा क्योंकि हमारे आपके बीच में जो करार हुआ था कितने का हुआ था आधा आधा फिफ्टी फिफ्टी का तो इसको हम बोलते हैं संविदा भंग पे प्रतिकर पाने का अधिकार यह भी सिविल अधिकार है दूसरा विवाह विच्छेद का अधिकार जैसे मान लीजिए हमारी जिससे शादी हुई मेरा मन कर रहा है मैं डिवोर्स ले लूं क्योंकि ये ठीक लड़की ठीक औरत नहीं है और हम उससे डिवोर्स लेना चाहते हैं तो विवाह विच्छेद का अधिकार जो है हमारा सिविल राइट है हमारा नहीं मन कर रहा है ग्राउंड हम बताएंगे जो कानून में प्रस्तावित है और उस ग्राउंड को बताने के बाद अगर कोर्ट सेटिस्फाई होगी तो कोर्ट डिवोर्स की डिग्री पास कर देगी तो इसको भी हम सिविल कोर्ट में लेके जा सकते हैं तो इसी तरीके से आप देखेंगे जैसे मृत व्यक्ति के दफनाने का अधिकार ये सारे जो मैं बात को आपको बता रहा हूं ये सारी बातें कोर्ट के द्वारा डिसाइडेड केसेस है हम सारे एक एक केस को नहीं रेफर करते हुए केवल शीर्षक के रूप के आपको आप में बता रहे हैं ताकि कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा समय आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट आपको इनुमरेट कर सकें मृत व्यक्ति को दफनाने का अधिकार अब मृत व्यक्ति को लेके दफनाने जाता है तो क्या वो दफना सकता है कि नहीं सकता है ये भी एक बात है तो कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं हम आपको यहां नहीं दफनाने देंगे क्योंकि हमारे संप्रदाय का है वो कहता है अरे दफनाने का तो हमारा अधिकार है हम तो इसमें दफनाएंगे तो ये भी सिविल प्रकृति का बात है इसको भी कोर्ट में आप लेके जा सकते हैं और कोर्ट बताएगी उसको दफनाने का अधिकार है नहीं है तो ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है जिसको हम बोलते हैं ये सूट सिविल नेचर का है अब कुछ ऐसे सूट हैं जो सिविल नेचर के नहीं है ध्यान दीजिए कुछ ऐसे सूट हैं जो सिविल नेचर के नहीं है वो कैसे सूट है जैसे मैं बताऊं आपको शुद्ध धार्मिक प्रश्न शुद्ध धार्मिक प्रश्न शुद्ध धार्मिक प्रश्न जो है वह सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं है जैसे मैंने बताया आपको शुद्ध धार्मिक प्रश्न का क्या मतलब जिसमें धर्म से संबंधित क्वेश्चन है मैंने आपको अपना एक एग्जाम्पल देहरादून का दिया मैं मंदिर में पूजा करने गया था शुद्ध धार्मिक प्रश्न है ये नहीं है सूट ऑफ सिविल राइट इसके लिए न्यायालय की को शादी भी भी होती है दस लोग को था, एक लोग को छोड़ देता है।, ये जातिगत है इसको आप सिविल कोर्ट में नहीं लेके चले जाएंगे एक क्वेश्चन है अपने ऑनर और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए सूट ऑनर और डिग्निटी को जो पद से संबंधित है ऐसे ऑनर और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए सूट दाखिल करना जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताऊं मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूं और मैं जब कॉरिडोर में जा रहा हूं तो स्टूडेंट हमारा पैर नहीं छू रहे हैं अब इसको लेकर के हमको बड़ी बेइज्जती महसूस हो रही है मैं कह रहा हूं अरे कैसे बच्चे बदतमीज हैं ये तो हमारा पैर ही नहीं छू रहे हैं अब मैं उन बच्चों के खिलाफ मुकदमा करना चाह रहा हूं कोर्ट में क्योंकि इनके पैर न छूने से हमारी गरिमा कम हो गई हमारा आदर कम हो गया और चूंकि आदर कम हो गया जो हमारे पद से संबंधित है तो हमारी बेइज्जती हो गई और बेइज्जती को हम डिफेमेशन बोलते हैं जो अपकृत्य है टार्ट विधि में तो इसको लेकर के मैं सूट फाइल करना चाह रहा हूं तो क्या मैं इसका सूट फाइल कर सकता हूं कहते हैं ना यह सूट आप सिविल नेचर नहीं है तो केवल डिग्निटी और ऑनर को अपहोल्ड करने के लिए अगर सूट आपको फाइल करना है तो ये सूट सिविल नेचर के नहीं माने जाएंगे जबकि उसमें कोई सब्सटेंशियल चीज होनी चाहिए उसी तरीके से बताते हैं कि स्वेच्छा अगर कोई दान है जिसको हम वॉलंटरी पेमेंट कहते हैं जैसे मान लीजिए हम मंदिर में जाते हैं हम मंदिर में जाते हैं तो हमारा जितना श्रद्धा है उतना हम चढ़ावा चढ़ाएंगे हमारी श्रद्धा है कि आज महाशिवरात्रि के पर्व पे हम बाबा के दरबार में जाएंगे और केवल एक लोटा जल और एक फूल चढ़ाएंगे तो हम एक लोटा जल और एक फूल चढ़ा देते हैं बस अब पंडित जी हमको ये नहीं कंपेल कर सकते कि अरे भाई आप तो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं इतना ज़्यादा सैलरी पाते हैं और बाबा के दरबार में आप आए हैं तो एक रुपया भी नहीं चढ़ाएँ कम से कम आप यहाँ पे हजार दो हजार चढ़ाइए आप बहुत बढ़िया सैलरी पाते हैं और पंडित जी इसको लेकर के हमारे खिलाफ मुकदमा दाखिल कर देते हैं क्या पंडित जी ऐसा कर सकते हैं ना नहीं कर सकते क्योंकि वॉलंट्री पेमेंट और ऑफरिंग है ये वॉलंट्री या स्वेच्छा है तो स्वेच्छा पेमेंट को हमको देना है कि नहीं देना है ये हमारे स्वेच्छा पे डिपेंड करता है इसको आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं जबरदस्ती आप हमसे ले लेंगे नहीं कर सकते आप ठीक है ना तो ये एक बात है उसी तरीके से आप आके देखेंगे औद्योगिक विवाद है ध्यान दीजिए औद्योगिक विवाद जो है ये भी सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं है जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कोई लेबर है वो फैक्ट्री में काम करता है इंडस्ट्री में काम करता है उसकी छटनी हो गई और वो सिविल कोर्ट में जाता है कोर्ट कहती है ना ना इसके लिए अलग से कानून बने हुए हैं ये सूट आप सिविल नेचर नहीं है इसके लिए ट्रिब्यूनल बने हुए हैं आप ट्रिब्यूनल में जाइए तो ये सूट आप सिविल नेचर नहीं माना जाएगा तो इस तरीके से लंबी लिस्ट इसकी भी है कि कौन सूट सिविल नेचर के नहीं है तो ये दो तरीके के बात हैं जिसमें एक कोर्ट के निर्णय हैं सारे जो मैं आपको बताया हूं ये ये सूट सिविल नेचर के हैं ये ये सूट सिविल नेचर के नहीं है इस तरीके से तो धारा नौ का एक तरीके से ये सारे उदाहरण आप कर सकते हैं जो डिसीजन से सपोर्टेड है अब एक मैं इसमें बड़ी लीडिंग केस आपको बताऊं जो डिसाइडेड है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और जिसमें धारा नौ का सीधा एप्लीकेशन है कि इसको सिविल कोर्ट देखेगी कि इसको अतिरिक्त न्यायालय देखेगी सेक्शन नौ में क्या संज्ञान बाधित है कि नहीं बाधित है जो हम लोगों ने देखा कि अगर संज्ञान बाधित है तो उसको सिविल कोर्ट नहीं देखेगी चाहे बाधित उसका प्रत्यक्षता है चाहे अप्रत्यक्षता है तो उसको सिविल कोर्ट नहीं देखेगी और संज्ञान बाधित नहीं है तो सिविल प्रकृति के बाद को सिविल कोर्ट निश्चित रूप से देखेगी ये हम लोगों ने देखा अभी तो अब इसमें जो केस है इसी पे आधारित है कि संज्ञान है कि नहीं है और यह मामला ट्रायल कोर्ट से शुरू हुआ हाई कोर्ट में गया हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो एक बड़ी लीडिंग सी केस है और उस केस का नाम है मैं थोड़ा इस पर लिख दू स्क्रीन पे उस केस का नाम है जीएस एस सिंधे जीएस सिंधे वर्सेस आरबी जोशी आरबी जोशी ए आई आर नाइनटीन सेवेंटी नाइन सुप्रीम कोर्ट यह एक मामला है जीएस सिंधे वर्सेस आरबी जोशी ए आई आर नाइनटीन सेवेंटी नाइन सुप्रीम कोर्ट यह एक बड़ा लीडिंग सा मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को डिसाइड किया है संज्ञान बाधित है कि नहीं है अब मैं इस केस का फैक्ट आपको बताना चाह रहा हूं क्या इस केस का फैक्ट था कॉन्ट्रैक्ट करने में उस लैंड की जो कीमत है वो बयालीस हजार लगाई जाती है तो दोनों के बीच में यह करार होता है कि चलो बयालीस हजार के परिप्रेक्ष्य में पांच हजार रुपया में तुमको अर्नेस्ट मनी जिसको हम अर्नेस्ट मनी बोलते हैं तो अर्नेस्ट मनी पांच हजार रुपया मैं तुमको दे देता हूं और जब तुम मुझे रजिस्ट्री करोगे तो मैं तुमको पूरा पैसा दे दूंगा तो ये लेकर के इन दोनों लोगों के बीच में करार हो जाता है अब ये पांच हजार दे दिया कुछ दिन के बाद कुछ और पैसा दे दिया कुछ दिन के बाद कुछ और पैसा दे दिया और वो रजिस्ट्री नहीं करता है करते करते इसने पूरा का पूरा पैसा दे दिया और सामने वाला रजिस्ट्री नहीं करता है तो ये जो है कोर्ट में जाता है और कोर्ट में जाकर के पूरा अपना कंटेंशन रेज करता है और कहता है कि जज साहब हमने इसको सारा पैसा दे दिया ये हमारा और इसका लिखित करार है और हमने इसको पैसा भी दे दिया और ये हमको रजिस्ट्री नहीं कर रहा है तो आप इसको आदेश करें ये रजिस्ट्री हमारे फेवर में करें क्योंकि हमारे और इसके बीच में यही कॉन्ट्रैक्ट है अब अपोजिट पार्टी को बुलाया जाता है कोर्ट के द्वारा समन भेज करके जब अपोजिट पार्टी न्यायालय में आती है तो वो क्या कहती है वो कहती है जज साहब ये जो बंदा है ना ये बंदा ये प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सक्षम नहीं है तो कोर्ट कहती है भाई क्यों नहीं सक्षम है तो वो कहता है कि ये मामला बॉम्बे का है महाराष्ट्र का है और बॉम्बे टिनेंसी एक्ट के तहत एग्रीकल्चरल लैंड को वही आदमी खरीद सकता है जो एग्रीकल्चरिस्ट होगा ध्यान दीजिए जो कृषक होगा कृषक ही कृषक भूमि को खरीद सकता है ऐसा लिखा हुआ है बॉम्बे टिनेसी एक्ट के कुछ सेक्शन में ऐसा लिखा हुआ है और ये बंदा कृषक नहीं है इससे कोर्ट पूछती है कि आप कृषक हैं कि नहीं है ये कहता है कि जज साहब मैं कृषक हूं क्योंकि ये जो डिसीजन है ये बॉम्बे टेनेंसी एक्ट के तहत ये पावर एक अधिकारी को दिया गया है उस अधिकारी का नाम है मामलादार मामलादार एक अधिकारी है जो बॉम्बे टेनेंसी एक्ट में ये निर्धारित करता है कि कोई बंदा कृषक है कि नहीं है और कहता है कि वो एक अपना आदेश दिखाता है मामलात का जिसमें मामलात ने इसको बताया है कि आप कृषक हैं किसी साल में दो तीन साल पहले दस साल पहले इसको बताया गया आप कृषक हैं कथा है, है जज साहब आप देखिए का डिसीजन डिसीजन है है और इस में मामलादार ने कहा है कि मैं कृषक हूं तो चूंकि मैं कृषक हूं मामलादार ने डिसाइड किया है तो आप इस आधार पर हमको कृषक मान लें और इससे आप बोलें कि ये जो है प्रॉपर्टी हमको बेचे ये बंदा कहता है कि नहीं नहीं ये मामला मामलादार है कि नहीं है ये सिविल कोर्ट डिसाइड करेगी अब ट्रायल कोर्ट में मामला होता है अपोजिट पार्टी कहती है नहीं हम तो ऑलरेडी मामला डिसाइडेड है तो सिविल कोर्ट क्यों डिसाइड करेगी कोई बंदा कृषक है कि नहीं है ये पूरा का पूरा अधिकार बॉम्बे टेनेंसी एक्ट में मा, मामला को दिया गया है और मामलादार ने मुझे डिसाइड किया है सिविल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को बॉम्बे टेनेंसी एक्ट बार करती है लिखा हुआ है बॉम्बे टेनेंसी एक्ट में कि कोई बंदा कृषक है कि नहीं है इसका डिसीजन कौन करेगा इसका डिसीजन मामलादार करेगा और इस मामले में सिविल कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगी ये बॉम्बे टेनेंसी एक्ट के कई सेक्शन में इस तरीके की बातें हैं अब इसी को ये रेफर करता है कहता है कि अगर फिर भी कोर्ट को डाउट है कि मैं कृषक हूं कि नहीं हूं तो आप कोई बात नहीं आप इस मामले को को फिर से मामलादार को रेफर कर दीजिए और मामलादार से ही आप पूछिए कि मैं कृषक हूं कि नहीं हूं आप उसे से फिर से पूछ लीजिए लेकिन यह मामला आप मत डिसाइड करिए क्योंकि आपका जो रिस्ट्रिक्शन बॉम्बे टेनेंसी एक्ट बार कर देता है अब यही क्वेश्चन था कि इसको ट्रायल कोर्ट निस्तारित करेगी कि नहीं करेगी ट्रायल कोर्ट कह रही है कि देखो यहां पे मामला ये नहीं है कि तुम मामलादार हो कि नहीं हो हमारे कोर्ट में जो मामला है वो ये है कि आपने प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार है कि नहीं है और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आप करा सकते हो कि नहीं तो ये जो आप मामलादार हो कि नहीं हो ये इंसिडेंटल इशू है मुख्य इशू क्या है मुख्य इशू ये है मेन इशू है मेन मुद्दा ये है कि आप प्रॉपर्टी लेने का हकदार हैं कि नहीं है चूंकि इस मामले को डिसाइड करने में ही हमको डिसाइड करना पड़ेगा बीच में कि आप मामलादार हैं कि नहीं है तो ये इंसिडेंटल इश्यू है तो ये हम मामलादार के पास नहीं भेजेंगे अगर प्योरली ये मामला डिसाइड करने के लिए जाता तो मामलादार देखता लेकिन चूंकि यह प्रॉपर्टी के खरीद फरोख का मामला है और प्रॉपर्टी का मामला सिविल नेचर का है इसलिए इसको हम डिसाइड करेंगे और ट्रायल कोर्ट ने डिसाइड कर दिया और ट्रायल कोर्ट ने कहा कि आप मामलादार नहीं है और इसलिए आप कृषक नहीं है आप आप कृषक नहीं है और इसलिए आपका प्रॉपर्टी खरीदने का आपका अधिकार नहीं है इससे ये बड़ा इसको लेकर के अपील करता है हाई हाई कोर्ट में बोल रही है। और, ट्रायल कोर्ट क्या और ये ट्रायल कोर्ट डिसाइड भी इसको कर सकती है क्योंकि इंसिडेंटल इशू है मामलातदार तभी डिसाइड करेगा आप कृषक हैं कि नहीं है जब केवल यही मामला मामलातदार के पास जाएगा लेकिन जब सिविल कोर्ट में मामला आता है प्रॉपर्टी के खरीद फरोख का मामला है प्रॉपर्टी से संबंधित क्वेश्चन है तो उसमें अगर यह बात आ गई कि आप कृषक हैं कि नहीं है तो यह सिविल कोर्ट डिसाइड करेगी क्योंकि इशू है हाई कोर्ट 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 ने भी ट्रायल की बात को मान लिया अब मामला सुप्रीम सुप्रीम में में चला गया सुप्रीम कोर्ट में एक क्वेश्चन था कि भाई कोई बंदा कृषक है कि नहीं है यह मामला दार डिसाइड करेगा कि यह सिविल कोर्ट डिसाइड करेगी सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भाई सेक्शन नौ में क्या लिखा हुआ है सिविल कोर्ट सारे सिविल सूट को डिसाइड करेगी लेकिन उस मामले को डिसाइड नहीं करेगी जिसका कॉग्निजेंस चाहे तो प्रत्यक्षता चाहे अप्रत्यक्षता बाधित है उसको नहीं डिसाइड करेगी और ये जो मामला है कि यह प्रत्यक्षता बाधित है क्योंकि बॉम्बे टेनेंसी एक्ट में लिखा हुआ है कि कोई भी बंदा कृषक है कि नहीं है ये एक्सक्लूसिव ज्यूरिस्डिक्शन किसको कन्फर करता है बॉम्बे टेनेंसी एक्ट ये मामलादार को कन्फर करता है तो ये मैटर मामलादार को ही डिसाइड करने दीजिए इस मामले को आप ना डिसाइड करें और सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट को खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं इसमें सेक्शन नाइन अप्लाई होगा चूंकि टेनेंसी एक्ट के तहत कोई बंदा कृषक है कि नहीं है यह केवल और केवल सिविल कोर्ट डिसाइड केवल और केवल मामलादार डिसाइड करेगा और सिविल कोर्ट का संज्ञान प्रत्यक्षता बाधित है इसलिए सिविल कोर्ट इस मामले को डिसाइड नहीं कर सकती रादर इस मामले को केवल और केवल मामलादार डिसाइड करेगा और सुप्रीम कोर्ट कहती है इस मामले को आप मामलादार के पास भेज दीजिए और उससे पूछिए बंदा कृषक है कि नहीं है फिर से उसे सर्टिफिकेट आप ले लीजिए अगर वो सर्टिफिकेट दे देता है कृषक है तो ये जमीन इसको दिलवा दीजिए अगर मामलादार सर्टिफिकेट देता है कृषक नहीं है तो ये जमीन उसको मत दिलवाइए लेकिन आप ये निर्धारित ना करें कि ये कृषक है कि नहीं है क्योंकि आपका जो रिस्ट्रिक्शन जो है प्रत्यक्षता वाधित है तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने धारा नौ को अप्लाई किया इस मामले में संज्ञान के मामले में धारा नौ के मामले में तो ये बड़ा लीडिंग केस है जीएस सिंधे वर्सेस आरबी जोशी तो ये बात हम लोग देख रहे थे कि कोर्ट ने इस मामले में जो बड़ी लीडिंग सी केस है जीएस सिंधे वर्सेस आरबी जोशी ए आई आर नाइनटीन सेवेंटी नाइन सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भाई संज्ञान संज्ञानवाधित का क्या मतलब और कोर्ट सिविल कोर्ट के जो का क्या मतलब तो सिविल बॉम्बे टेनेंसी एक्ट के तहत ये संज्ञान बाधित है और इसमें पूरा का पूरा अधिकार मामलादार को है तो मामलादार इसको डिसाइड करेगा सिविल कोर्ट नहीं डिसाइड करेगी तो इस तरीके से धारा नौ की खुमांछित केस है तो इस मामले में टॉपिक दो में हम लोगों ने क्या देखा मैं थोड़ा सा आपको कंक्लूड कर दूं टॉपिक दो में हम लोगों ने देखा केवल एक बात देखा कि सूट आप सिविल नेचर के है और सिविल न्यायालय की अधिकारिता क्या है केवल यही बात हम लोगों ने देखा तो सिविल न्यायालय की अधिकारिता को हम लोगों ने देखा कि अधिकारिता तीन तरीके की होती है मेनली स्पीकिंग एक क्षेत्रीय अधिकारिता है एक सब्जेक्ट मैटर की अधिकारिता है और एक आर्थिक अधिकारिता है और हम लोगों ने सिविल प्रकृति के वाद में देखा धारा नव में कि सिविल प्रकृति का वाद क्या होता है सिविल प्रकृति का वाद वो है जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी राइट टू ऑफिस क्वेश्चन में होगा इसको सिविल कोर्ट देखेगी लेकिन संज्ञान बाधित नहीं होना चाहिए लेकिन प्योरली रिलीजियस क्वेश्चन और प्योरली कास्ट क्वेश्चन इसमें नहीं आता है ये हम लोगों ने देखा तो इस तरीके से हम लोगों ने ये इसको सीपीसी के एंट्रेंस गेट को समझने का प्रयास किया टॉपिक नंबर दो में तो आपके पेशेंस शेयरिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तरफ से थैंक यू ऑल Hello and welcome to this piece of literary snippet. Perhaps the most popular literary genre after novel is the short story. Sharp, compact narratives whose charm lies not only in what is said but also in what remains unsaid. Today I'll be reading one of the shortest instances of a short story that I have ever encountered. And Indeed, the very charm of this particular story that I'm going to read out today lies in the way it abruptly ends. It is an ancient tale from Mesopotamia which has been retold by several authors, among whom the name of Somerset Maugham stands out. Uh, the adaptation that I'll be reading out is perhaps the closest to the one that Maugham wrote. The story is titled in all of its adaptations almost as Appointment in Samara. Here is the story A merchant in Baghdad once sent one of his servants to the market. The servant was supposed to buy provisions for the merchant, but when he returned, he came back empty handed. Indeed, the servant had all gone white and trembling with fear, he told his master that he had met death in the marketplace. When I entered the market, the servant said to his master, I was jostled by a woman, and when I turned to look at her, I saw that she was death. I am very scared, master, because death looked at me with a threatening gesture. Can you please lend me your horse so that I can fly away from Baghdad to the town of Samara and thereby escape death? The master, being a good man, gave his servant his best horse and saw him gallop off to Samara to escape death. Then the master himself went to the marketplace and confronted Death. Why did you make a threatening gesture to my servant? asked the master to Death. And Death replied, It was not a threatening gesture, rather, it was a start of surprise. I was astonished to see your servant here today because this evening, I have an appointment with him in Samara. See you in the next episode of Literary Snippet.